नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का सीधे अयोध्या से स्वागत है। तो आज हम सत्ता का अयोध्या एडिशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां और पूरी पूजन प्रक्रिया से जुड़ी खबरें होंगी, और साथ ही ये उन खबरों को भी उसमें जगह दी जाएगी जो आपके सरोकार से आपके काम की है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ देख लेते हैं। आज सबसे पहले आपको आस्था के नए कॉरिडोर जगन्नाथ मंदिर लेकर चलेंगे, जहां सूर्य पूजा, हवन और अनुष्ठान के साथ जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। अब जगन्नाथ मंदिर कितना भव्य हो गया है और भक्तों के लिए दर्शन कितने आसान हो गए हैं, ये आज हम आपको सत्ता की एक आध्यात्मिक कुंजी के जरिए बताएंगे। आज हम आपको सरयू के तट से सत्ता का श्रीराम विशेषांक भी दिखाएंगे। आज राम मंदिर के गर्भगृह में जो तैयारियां की गई थी, भव्य पूजा की गई थी, कलश यात्रा निकाली गई, इसकी अद्भुत तस्वीरें आज आपको TV9 भारतवर्ष पर सत्ता में हम बहुत ही विस्तार से दिखाएंगे। इसके बाद में राम मंदिर पर शुरू हुआ जो श्रेय युद्ध है वो भी देखेंगे। शरद पवार ने राम मंदिर का जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को दे दिया है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में क्रेडिट को लेकर के कैश करना चाहती है या नहीं चाहती है, ये भी आज आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी के वाया मंदिर मिशन दक्षिण की बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में गुरुवायूर मंदिर और इसके अलावा त्रिप्यार श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना की। 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने इस दौरान उद्घाटन किया। आज 24 के लिए वोटों वाले इस अनुष्ठान की भी हम इस पूरे मामले में आज सत्ता में चर्चा करेंगे। वैसे आज पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ टिप्पणियां की हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और एक खबर हम आपको बता दें, TV9 पर रामलला की जो प्रतीकात्मक मूर्ति है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जो कि इस वक्त थोड़ी देर में मंदिर पहुंचेगी ये मूर्ति। और अभी फिलहाल जो अयोध्या की सड़कों पर ये मूर्ति चली है कार्यशाला से, ये मैं आपको थोड़ा सा सीधे सीधे बता दूं कि ये प्रतीकात्मक मूर्ति नहीं है बल्कि रामलला की मूर्ति है। कार्यशाला से मंदिर ये ले जाई जा रही प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जो कि जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को कराई जाएगी। तो फिलहाल कार्यशाला से ये मूर्ति इस वक्त गर्भगृह की तरफ जा रही है और ये लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त कुमार कुंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार, थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये मूर्ति जो निकली है ये वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी? बिल्कुल राहुल जी, ये वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी और इस वक्त विवेक सृष्टि से ये मूर्ति निकली है और साकेतपुरम होते हुए, लता मंगेशकर चौक होते हुए, रामपथ होते हुए, ये हनुमानगढ़ी के बगल से होते हुए निकलेगी और 11 नंबर गेट से पहुंचेगी। और मूर्ति परिसर में पहुंचने के बाद मूर्ति को परिसर में एक भ्रमण भी कराया जाएगा और उसके बाद इस मूर्ति को वहाँ पर उतारा जाएगा। गर्भगृह में ही किसी अन्य स्थान पर रखा जाएगा क्योंकि कल इसकी पूजा होगी और पूजा के बाद इसको पूरी तरीके से प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो आज का जो दिन है विशेष दिन है, रामलला पहली बार अपने घर में पधार रहे हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है लेकिन जो असली पूजा है वो 22 तारीख को होगी। चलिए, तो ये रामलला की मूर्ति जो कि कार्यशाला से निकल चुकी है गर्भगृह में पहुंचेगी, वहाँ पर पहले पूजा अर्चना मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो होती हैं वो सारी चीज़ें, उसके बाद 22 तारीख को इस मूर्ति के दर्शन पूरे देश को होंगे, पूरी दुनिया को होंगे।
और सत्ता में अब एक और शुभ समाचार है जो अयोध्या से करीब 1000 किलोमीटर दूर से आया है, और ये समाचार आपको वाकई थोड़ा सा हैरत में और थोड़ी खुशी देने वाला है। ये समाचार ओडिशा से आया है। ये शुभ समाचार आस्था के ऐसे कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जो भव्य, अद्भुत और अलौकिक है। हम बात कर रहे हैं उस जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर की, जिसके आज उद्घाटन कर दिया गया है, और जो बताया जा रहा है कि लगभग रोज़ाना 10,000 लोग इसके दर्शन कर सकते हैं। इस खबर पर सबसे पहले अपने न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता की एक आध्यात्मिक कुंजी हम खोल देते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ कर दिया गया है। सूर्य पूजा और हवन के साथ अनुष्ठान किया गया है। इस मंगल पूजा के करने के बाद से अब भारत और नेपाल के 1000 मंदिरों को इसका न्योता भी भेजा गया है। साथ ही देश के साथ सभी शंकराचार्य, जितने भी देश के शंकराचार्य सभी हैं, उनको चारों पवित्र धाम और 4 अन्य छोटे धामों को भी आमंत्रित किया गया है। और सभी की मौजूदगी में इस शानदार जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। सबसे खास बात इसकी हम आपको बता देते हैं, वो ये है कि इस कॉरिडोर के बनने से भगवान जगन्नाथ और उनके करोड़ों भक्तों के बीच की जो दूरी थी, जो लगातार वक्त होता था, लगता था ज़्यादा, वो अब कम हो गया है। और इसकी वजह है वो 75 मीटर का गलियारा, जो जगन्नाथपुरी मंदिर में जब हम जाते हैं तो जो बाहरी दीवारों से जोड़कर तैयार किया गया है ये कॉरिडोर, जिसे मेघनाथ पचेरी का कहा जाता है। यही गलियारा परिक्रमा प्रोजेक्ट है। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर में श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है। यहाँ से श्रद्धालु मंदिर के सीधे दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कॉरिडोर में कुल मिलाकर के 7,917 मीटर का एक रिसेप्शन सेंटर भी तैयार किया गया है, जिसमें एक साथ 6,000 भक्त खड़े हो सकेंगे। सबसे अहम बात जो है कि पहले मंदिर तक पहुंचने में 30 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता था, और यानी पुरी के आधे हिस्से से होकर के उस वक्त गुजरना पड़ता था, लेकिन अब जब हम पुरी पहुंचेंगे तो पुरी बाईपास को जो है वो एक तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे उसको लेकर के, और एक ये नया रास्ता तैयार किया गया है बाईपास रोड के ज़रिए, जिससे यात्रा का समय घटकर सिर्फ 10 मिनट हो गया। जगन्नाथ मंदिर में जो 75 मीटर का कॉरिडोर बनाया गया है उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। उसे अलग अलग 9 हिस्सों में तैयार किया गया है, और ये किस तरीके से तैयार किया गया है, किस तरीके का है, इसे भी हम आपको समझा देते हैं। इसमें 7 मीटर का एक फुटपाथ जो है उसको बनाया गया है, और जो कंक्रीट का बना हुआ है फुटपाथ, इसमें 1.5 मीटर की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन भी शामिल की गई है, और इसके अलावा 4.5 मीटर की एक इमरजेंसी लेन भी इसमें तैयार की गई है, जिसका इस्तेमाल किसी आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। और इसी से ठीक जुड़ी एक सर्विस लेन भी बनाई गई है, जिसकी चौड़ाई करीब 4.5 मीटर है, और इस कॉरिडोर में 2 परिक्रमा पथ भी तैयार किए गए हैं, जिसके जरिए श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। इसमें जो बाहरी परिक्रमा पथ है वो 8 मीटर का है, जबकि जो भीतरी परिक्रमा पथ है उसकी अगर हम बात करें तो चौड़ाई उसकी 10 मीटर रखी गई है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जिनके जरिए श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे। इनमें से एक है हस्ती द्वार, जो मंदिर के उत्तर में मौजूद है, जो हाथी को समर्पित है। इसके अलावा इसके पश्चिम में मौजूद द्वार पर बाघ है, इसलिए इसे बाघ द्वार की व्याख्या दी गई है। इसी तरह पूर्व दिशा में सिंह है, जिसे सिंह द्वार कहा गया है। जबकि अगर हम इसके चौथे दौर की बात करें तो अश्व द्वार के तौर पर इसको जाना जाता है, यानी भगवान जगन्नाथ मंदिर की बाहरी दीवार पर भक्तों के लिए 4 दिशाओं में जो द्वार तैयार किए गए हैं, उनका जो खुलते हैं उनका प्रतिनिधित्व पशुओं द्वारा किया जाता है। अब हम आपको जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर से जुड़े वो शुभ वर्ष और शुभ तारीख बता देते हैं, जिससे गुजरते हुए जब हम इस पूरी की पूरी घटना को देखेंगे, करीब 8 वर्षों के बाद इतने भव्य और अद्भुत कॉरिडोर का
निर्माण उसके बाद किया गया है। इस कैलेंडर में पहला जो वर्ष आता है वो है 2016, जब जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में नवंबर में कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू किया गया। 24 नवंबर 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी आधारशिला रखी और आज इस जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी, देन ए ब्यूटिफुल रोड विथ अ गुड ब्रिज विच विल फैसिलिटेट इजी एक्सेस ऑफ डिवोटीज एंड टूरिस्ट टू द टेम्पल साइट एंड एडिक्वेट पार्किंग अरेंजमेंट्स फॉर द व्हीकल मल्टी स्टोरी कार व्हीकल पार्किंग सिस्टम्स। नाउ इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्रैंड। This project is a very unique project. What it does that it increases, enhances the spiritual connect between the pilgrims and the Lord. This would also give them an opportunity to spend more time meditating or connecting with the Lord, and that is the main purpose of this project. Which had not been done in the last 700 years, and therefore this is a feeling which can be felt only when you reach there. Parikrama Marg, there are toilets, water supply, drinking water supply, sports, police assistance centers, even donation reception places. There are places where people can take shelter also. A lot of facilities in and around the Parikrama Marg which will benefit the pilgrims coming in different ways. अब जगन्नाथ मंदिर पर हम सत्ता की एक और आध्यात्मिक कुंजी खोलते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे 17 हमलों के बाद भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र जगन्नाथ मंदिर शान के साथ खड़ा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटने की कोशिश की। मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए उस पर 17 हमले किए गए। इसमें पहला हमला वर्ष 1340 में किया गया, जब सुल्तान इलियास शाह की अगुवाई में मंदिर पर आक्रमण हुआ, जबकि आखिरी हमला वर्ष 1699 में मोहम्मद तकी खान ने करवाया। लेकिन इस मंदिर के पुजारियों ने यहां मौजूद मूर्तियों को छिपाकर और मुस्लिम आक्रांताओं से बचाकर मंदिर का महत्व बनाए रखा। मौजूदा वक्त में रोज करीब 50,000 श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जबकि जगन्नाथ यात्रा के वक्त यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। आपने कई बार इसकी अकल्पनीय तस्वीरें देखी भी होंगी, जब पुरी में रथ यात्रा के दौरान वहां अगर कुछ नजर आता है तो वो है भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए करोड़ों भक्त। आपको बता दें कि ओडिशा का ये जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। वैसे कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जगन्नाथ पुरी का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर देश में मौजूद 4 धाम में से एक है। आमतौर पर लोग मानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं, लेकिन असल में 4 धाम में जिन मंदिरों को गिना जाता है उनमें पूर्व दिशा में मौजूद जगन्नाथ पुरी है, पश्चिम दिशा में मौजूद द्वारका जो गुजरात में है, एक और धाम उत्तर दिशा में उत्तराखंड के अंदर मौजूद है जिसे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, जबकि 4था धाम रामेश्वरम है जो तमिलनाडु में है। और सत्ता में अब बात करते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए
अब तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। सिर्फ 5 दिनों का इंतजार है, 22 जनवरी को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। थोड़ी देर पहले रामलला की मूर्ति को कार्यशाला से निकाला गया है, इसे मंदिर ले जाया जा रहा है। इस वक्त इसे ट्रक से मंदिर लाया जा रहा है, थोड़ी देर में ये मूर्ति मंदिर में पहुंच जाएगी। इससे पहले आज रामलला की प्रतीकात्मक 10 किलो की जो मूर्ति थी चांदी की, उसको राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कराया गया। और आपको बता दें कि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, वहां से मुश्किल से 800 मीटर की दूरी पर ही ये यात्रा इस वक्त चल रही है। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी है और कल गर्भगृह में रामलला का जो विभिन्न नदियों के जल लाया गया है, उससे अभिषेक कराया जाएगा। रामलला के आने से पहले का अनुष्ठान जारी है। मूर्ति की स्थापना से पहले आज मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है, मंत्रोच्चार से पूरा माहौल राममय हो गया। इससे पहले विधि विधान के साथ आज सरयू नदी के किनारे विशेष पूजा अर्चना की गई। यजमान अनिल मिश्रा ने विशेष पूजा की। मैं इस वक्त ठीक बाटा सरयू की तट पर खड़ा हूँ। इस वक्त जो विप्र है वो इस पूजा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तांबे के कलश रखे हैं, सामने फूल पत्तियां रखी हुई हैं और पूजा में इस्तेमाल होने वाली वो सारी चीजों को लाए। सरयू माता की जय, रामचंद्र जी जय। कलश पूजन संपन्न हुआ है। यह कलश पूजन के पश्चात उपस्थित 9 सुभाषिनियों ने वो कलश यात्रा के माध्यम से कलश लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। उसमें सरयू का जल भरा हुआ है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। महत्ता है, क्यों जल लाया गया है? इसी की प्रतिष्ठा में जो है, इसी जल को जो है, इसी के जल से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अभिषेक होगा भगवान राम का। इसीलिए हम लोग जल जो है सरयू नदी से लेके राज जन्मभूमि मंदिर तक आए हैं। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर लाइटिंग लगाई जाएगी, साथ ही फूलों से भी सजावट की जाएगी। कैसे अयोध्या में हर तरफ भगवान राम की इस वक्त धुन है, ये भी आपको दिखा देते हैं। की हाईटेक बस पर जो है वो अपने आप में माहौल को बदल देता है और शंखनाद और साथ साथ भगवान श्री हनुमान साक्षात आपके जीवन भारद्वाज की बस पर आ गए हैं। अवध घर आए मुरी रामा, 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 अवध घर आए मुरी रामा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 5 दिन का समय शेष है और विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। एक तरफ विशेष पूजा है तो दूसरी तरफ विशेष राजनीति, और यह विशेष राजनीति राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेने की हो रही है। क्रेडिट लेने की कहानी में 2 पक्ष हैं, सत्ता पक्ष जिसमें बीजेपी है और विपक्ष जिसमें कांग्रेस है। बीजेपी ना खुलकर क्रेडिट ले रही है और ना उसे क्रेडिट लेने से कोई परेशानी है। अगर कोई क्रेडिट दे रहा है तो वो उसे स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस को उसके सहयोगी दल अब भर भर कर क्रेडिट देना चाहते हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस क्रेडिट को जो चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं को ये पता है कि उनके वोटर तो उन्हें ही क्रेडिट देंगे, जबकि कांग्रेस में इस बात का डर है कि कहीं मुस्लिम वोटर
उनसे दूर ना हो जाएं, इसलिए वो जो क्रेडिट है उसको खुलकर नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता बीच बीच में क्रेडिट लेने वाले बयान देते हैं, लेकिन जिनकी बातों को सुना जाएगा वो हाईकमान इससे बहुत दूर खड़ा हुआ है। आज राम मंदिर पर क्रेडिट वार की ये जो कुंजी है इसलिए खोलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि विवादित ढांचा गिराने के बाद मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उसे इजाजत दी गई और उसका जो शिलान्यास है राजीव गांधी के द्वारा हुआ। शरद पवार की बात बिल्कुल सही है, मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन ये जो विवादित ढांचा गिराने की बात हुई थी उसके बाद कांग्रेस को जो श्रेय देने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ये श्रेय लेने के लिए तैयार है? इस पर हमने एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, वो आपको दिखाएं। उससे पहले एक बार शरद पवार का पूरा बयान सुन लीजिए। मंदिर से ठिकाने हुआ करा इस तरह से विरोध नहीं खजा संघर्षण है, क्या मंदिर ऐसा इतिहास बगीचा कि जो मंदिर बाबरी मस्जिद फाजल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची फसवणुकी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली, त्याला शिलान्यास हज झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला, नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली आणि आजकाल अलीकडं त्या केसचा निकाल लागला आणि मंदिर बांधायला जवळच्या जागेत कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याचं काम सुरू करण्याचा विचार हा याचे। शरद पवार के इस बयान पर काँग्रेस प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, उसके लिए ये असमंजस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस क्रेडिट पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी वीएचपी और आरएसएस इसकी आड़ में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जबकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि उनके नाम में ही राम है, बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। एक आधी बात करते हैं, पूरी बात करते नहीं, और ये भी नहीं बताते कि किस प्रकार से सोनिया गांधी ने कहा था कि भगवान राम तो काल्पनिक है, उस बारे में चर्चा नहीं करते। कभी ये नहीं बताते कि किस प्रकार से कपिल सिब्बल को भेजा था कि इसका फैसला 2019 तक मत आने दो, और ये नहीं बताते कि 2024 में अगर उस पूरे भवन का, उस पूरे मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसको भी रोकने की चेष्टा है। स्पष्ट है देखिए कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और उनकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी ये लाभ लेना चाहती है, उनको लग रहा है कि ये मुद्दा हमको जिता रहा, एक ही आधार है जो हमको कुछ कर सकता है, तो उसको पकड़े हुए हैं। बैठक करने से लाभ क्या? और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता कम से कम कांग्रेस के इस कुचक्र में इतना फंस जाएंगे, अभी भी कांग्रेस से बाहर निकलने के बावजूद भी ठीक है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के हिस्से हैं, तो इसलिए वो सब सनातन को नेस्तनाबूद करने का सपना तो लगभग सभी देख ही रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मेरे पहले नाम में राम, दूसरे नाम में राम, ये राजनीति है। 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक परियोजना का अंग है, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, एक राजनीतिक समारोह है। लेकिन शरद पवार सिर्फ अपने इसी बयान के कारण चर्चा में नहीं है, आज उनकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वो भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। आगे उन्होंने लिखा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद मैं स्वतंत्र रूप से समय निकालकर दर्शन के लिए आऊँगा और तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ भी दी।
तो इस तरह से अब तक इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। जिन विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से अब तक इनकार किया है वो दल हैं कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी। हालांकि इसमें कई और नाम अभी शामिल होने हैं। तो अब तक जिन बड़े दलों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार किया है उनमें तीन दलों की चिट्ठी सार्वजनिक हुई है और इनकी तुलना की जा रही है। कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में मंदिर को अर्धनिर्मित और चुनावी लाभ लेने वाला बताया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार करते हुए ये लिखा कि बाद में वो अवश्य दर्शन करने आएंगे। शरद पवार की भी भाषा अखिलेश यादव जैसी ही थी, वो भी रामलला के दर्शन बाद में करेंगे, फिलहाल उन्होंने सफलता के लिए शुभकामनाएं जरूर दी हैं। इन तीनों चिट्ठियों को आधार बनाकर वीएचपी कांग्रेस पर हमला कर रही है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस गुलामी वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल रही है। गांधी जी से पूछा गया कि आप 22 जनवरी को जहां भी रहेंगे तो क्या मंदिर जाएंगे, उन्होंने हाँ नहीं कहा। अभी जो एक नई पुस्तक आई है उसमें प्रधानमंत्री नेहरू का वह वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका मंदिरों में जाने से दम घुटता है, ही फील्स सफोकेटेड, और ताजमहल की आबो हवा अच्छी लगती है। यह जो कॉलोनियल माइंडसेट था, यह जो गुलामी का माइंडसेट था, उसमें से कांग्रेस का नेतृत्व बाहर नहीं आया।